मुक्ताभिरामं ऋणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र शरणं प्रपद्ये। प्रभु श्री राम के 11 चमत्कारिक मंदिर। राम है भारत की आत्मा। श्री राम का हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान है। भगवान शंकर भी राम का ध्यान करते हैं। हनुमान जी भी प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं। राम के बगैर भवसागर पार होना असंभव है। मंदिर नंबर 1, अयोध्या, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। शोधानुसार पता चला है कि भगवान राम का जन्म आज से 7128 वर्ष पूर्व अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार वैवस्वत मनु ने बसाया था। यह हिंदुओं के लिए मदीना और बेथलम की तरह है। अयोध्या में राम जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर को आक्रांता बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद स्थापित कर दी थी, जिस पर अभी भी विवाद जारी है। मंदिर नंबर 2, रघुनाथ मंदिर, जम्मू और कश्मीर। भगवान राम को रघुनाथ भी कहते हैं। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में स्थित इस मंदिर को 1835 में महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाना शुरू किया था और इसका पूर्ण निर्माण महाराजा रणजीत सिंह के काल में हुआ। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद है। मंदिर के भीतर की दीवारों पर 3 तरफ से सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके अलावा मंदिर के चारों ओर कई मंदिर स्थित है, जिनका संबंध रामायण काल से बताया जाता है। मंदिर नंबर 3, श्री राम मंदिर, त्रिप्रायर, केरल। यह मंदिर भारतीय राज्य केरल के दक्षिण पश्चिमी शहर त्रिप्रायर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित है। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहां के स्थानीय मुखिया को समुद्र तट पर मिली थी। त्रिप्रायर नदी के किनारे स्थित श्री राम मंदिर कोडुंगल्लूर का प्रमुख धार्मिक स्थान है। कोडुंगल्लूर शहर से यह स्थान लगभग 15 किलोमीटर और त्रिशूर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर नंबर 4, श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, भद्राचलम, आंध्र प्रदेश। भगवान राम का यह मंदिर आंध्र प्रदेश के खम्मन जिले के वनवासी बहुल क्षेत्र भद्राचलम नगर में स्थित है। कथाओं के अनुसार मंदिर गोदावरी के किनारे ठीक उस स्थान पर बनाया गया है, जहां से श्री राम ने नदी को पार किया था। भद्राचलम से कुछ ही किलोमीटर दूर एक स्थान पर श्री राम एक पर्णकुटी बनाकर रहे थे। आज इस स्थान को पर्णशाला कहा जाता है। मंदिर नंबर 5, श्री तिरुनारायणम स्वामी मंदिर, मेलकोट, कर्नाटक। मेलकोट
कर्नाटक के मांड्या जिला तहसील पांडवपुरा का एक छोटा सा कस्बा है जो कावेरी नदी के तट पर बसा है। इस स्थान को तिरुनारायणपुरम भी कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे यदुगिरी कहते हैं। यह स्थान मैसूर से 51 किलोमीटर और बेंगलुरु से 133 किलोमीटर दूर है। मंदिर नंबर 6 हरि हरनाथ मंदिर सोनपुर बिहार। भगवान विष्णु को समर्पित हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान श्री राम ने त्रेता युग में करवाया था। माना जाता है कि श्री राम ने यह मंदिर तब बनवाया था जब वे सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहे थे। सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंडक और गंगा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। वर्तमान में जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार तात्कालीन राजा राम नारायण ने करवाया था। मंदिर नंबर 7 थिरुवंगड श्री राम स्वामी मंदिर जिला कन्नूर थालासेरी केरल। केरल के कन्नूर जिले में स्थित थालासेरी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध किला है। यहाँ से कुछ ही दूर प्रसिद्ध श्री राम मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। इससे पहले इस स्थान पर भगवान परशुराम ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इस स्थान का संबंध अगस्त मुनि से भी माना जाता है। मंदिर नंबर 8 राम भद्र स्वामी मंदिर जिला त्रिशूर केरल। यहाँ स्थित रामभद्र स्वामी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग इस मंदिर की भव्यता देखने आते हैं। त्रिशूर से 85 किलोमीटर दूर कोच्चि का एयरपोर्ट है। हालांकि त्रिशूर में रेलवे स्टेशन है जो देश के सभी बड़े स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। त्रिशूर से 47 किलोमीटर दूर स्थित तिरुविल्लमाला है। मंदिर नंबर 9 चित्रकूट। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। श्री राम चित्रकूट में अनुसुईया के आश्रम में कई महीनों तक रहे। चित्रकूट में ऐसे कई स्थल हैं जो राम लक्ष्मण और सीता के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रामघाट जानकी कुंड हनुमान धारा गुप्त गोदावरी आदि ऐसे कई स्थल हैं जो श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। मंदिर नंबर 10 रामवन जिला सतना मध्य प्रदेश। अत्रि आश्रम से भगवान श्री राम मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे जहां रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। इस संपूर्ण वन क्षेत्र को पहले दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। दंडकारण्य में राम के कई मंदिर और उनके जीवन से जुड़े कई स्थान हैं। मंदिर नंबर 11 पंचवटी जिला नासिक महाराष्ट्र। प्रभु श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में गए थे। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। यहाँ पंचवटी में लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने वनवास का कुछ समय बिताया था। यहाँ हिंदू धर्म के पवित्र 5 वट वृक्षों में से एक वृक्ष स्थित है।
प्रयाग में अक्षयवट, मथुरा वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट जिसे बौद्धवट भी कहते हैं और उज्जैन में पवित्र सिद्धवट। नासिक में गोदावरी के तट पर पांच वृक्षों का स्थान पंचवटी कहलाता है। ये पांच वृक्ष पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था।